हाय दोस्तों, मैं अकरम सैफी और आज जो मैं स्ट्रक्चर आपको सिखाने जा रहा हूँ है यूज ऑफ कंपल्शन टू, जिसकी पहचान है मजबूरी है, मजबूरी थी, और रूल है इट प्लस इज या वॉज एंड देन माय हिज हर देयर और योर। मतलब अगर मेरी मजबूरी थी तो माय कंपल्शन आ जाएगा, उसकी मजबूरी थी या है तो हिज आ जाएगा या हर आ जाएगा, और उनकी मजबूरी है या थी तो देर आ जाएगा, हमारी थी तो आवर या ठीक आवर आ जाएगा, और तुम्हारी मजबूरी थी तो योर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कंपल्शन टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस है, इसको देखते हैं। उससे मिलना मेरी मजबूरी है, पहले आ जाएगा इट, ठीक है, लास्ट में है यानी प्रेजेंट का है तो इज आ जाएगा। इट इज किसकी मजबूरी है, मेरी, तो माय आ जाएगा, इट इज माय कंपल्शन। उसके बाद टू, और टू के बाद जो आना है वो आनी है वर्ब, ठीक है, वर्ब क्या है, मिलना, मीट, उससे टू हिम। तो यह सेंटेंस, इट इज माय कंपल्शन टू मीट हिम। एक सेंटेंस और मैं आपको बना के दिखाता हूं, पैसे उधार लेना उसकी मजबूरी थी। तो दोस्तों पहला आएगा इट, ठीक है, उसके बाद मजबूरी थी तो यहाँ वो जाएगा, अगर मजबूरी है तो इज आना है, अगर मजबूरी थी लास्ट में आना है तो वो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा किसकी मजबूरी थी, उसकी, ठीक है, उसकी के लिए यहाँ तो हिज आता है, हर आता है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज, तो यहाँ पर मान लेते लड़की है तो हर आ जाएगा। इट वॉज हर कंपल्शन टू, उसके बाद वर्ब, ठीक, क्या मजबूरी है, उधार लेना, उधार लेने का होता बोरो, और क्या मनी, इट वॉज हर कंपल्शन टू बोरो मनी, ठीक है, ये है आपका सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा यहां दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, बार बार रिपीट करके देखना वो समझ में आ जाएगा। अगर सपोज दैट कि अगर आता यहां पर आता कि पैसे उधार लेना तुम्हारी मजबूरी थी तो यहाँ पर जो हर है उसकी जगह योर आया था, ठीक है, इस तरह से हमें ये देखना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख दें और मैं कोशिश करूंगा उसको रिजोल्व करने की। थैंक यू सो मच।